भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज देवभूमि से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। शाह के सम्मेलन में सुबह 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। वे देहरादून के परेड ग्राउंड से हरिद्वार और टिहरी लोकसभा के त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में दोनों संसदीय सीटों से बूथ स्तर के करीब 17,000 कार्यकर्ताओं के पहुँचने की संभावना है। प्रदेश भाजपा संगठन ने शाह के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खराब मौसम की आशंका के मद्देनजर वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। शाह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी प्रभारी श्याम जाजू, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के प्रभारी थावर चंद गहलोत भी कार्यक्रम रहेंगे। 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान शाह करीब 40 मिनट पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। शाह का यह संबोधन ठीक ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र की मोदी सरकार ने अपने आम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। यानी शाह के पास कार्यकर्ताओं में जोश भरने के पर्याप्त मुद्दे रहेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद शाह दोनों लोकसभाओं के चुनिंदा नेताओं के साथ अलग से बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के अलावा लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, विस्तारक और मोर्चों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोकसभाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे। इस बैठक के बाद शाह अमरोहा के लिए उड़ जाएंगे। वीआईपी से मिलने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर, एसएसपी। त्रिशक्ति सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर बैठक की। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि शाह की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी 2 दिन पूर्व ही देहरादून पहुँच गए थे। उनके साथ बैठक के बाद पुलिस ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफ भी किया गया। एसएसपी ने कहा कि वीआईपी से मिलने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रत्येक पुलिसकर्मी को ड्यूटी स्थल पर 3 घंटा पूर्व आने को कहा गया है। साथ ही कार्यक्रम में आने वालों की कड़ी चेकिंग की जाएगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र को पास करने के बाद ही कार्यकर्ता वहां आ सकते हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी।